नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4KST एकेडमी में। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं सीटेट का एक कंटेंट है। आए सीटेट 30 दिनों में गारंटी के साथ आप कैसे पास करें, एक अच्छा, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं सारी चीज़ों को एक क्रम वाइज, टॉपिक वाइज, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। हाँ कि भैया देखो, सारा आप सोचो कि भैया मैं 150 में 150 नंबर आए, घंटा नहीं आया कि 150 में 150 नंबर है। किसी भैया 150 में 150 नंबर थोड़ी आ जाएंगे। हमको क्या सेलेक्टिव टॉपिक पकड़ना है कि हमको भैया सीटेट पास होना है, और सीटेट में मेन चीज होती है उसकी भाषा। अगर आप सीटेट की भाषा पकड़ ले गए, सीटेट अनायास निकल जाएगा। हाँ, तो बात करते हैं ईवीएस के बारे में। EVS EVS भैया एनवायरमेंटल क्या है? ये मानव या बच्चों के पर्यावरण संबंध के अध्ययन को, मानव हो गया या बच्चे हो गए भैया, और क्या हो गया, ये वातावरण हो गया, वातावरण हो गया, और ये संबंध हो गए। को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते, क्या बोलते हैं? ईवीएस बोलेंगे। मानव के, जो मानव संबंध स्थापित करेगा किससे? वातावरण के प्रति। फिर वो चाहे प्राकृतिक संबंध हो, चाहे वो प्राकृतिक संबंध हो, चाहे फिर वो सामाजिक हो, सामाजिक संबंध हो, फिर वो चाहे आर्थिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, मतलब बच्चों या मनुष्य के द्वारा जो संबंध स्थापित किए जाए वातावरण के प्रति, या वातावरण में जो संबंध स्थापित किए जाए उसको क्या बोलेंगे? ईवीएस या इन्वायरमेंटल साइंस बोलेंगे। हाँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं, सॉरी। हाँ, तो मानव के संबंध जो वातावरण स्थापित कर ले, चाहे प्राकृतिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, और चाहे आर्थिक संबंध, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का महत्व, महत्व पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का महत्व क्या भैया? पर्यावरण का महत्व क्या है कि बच्चे, यहां बच्चों की बात चल रही है, बच्चों के पर्यावरण, यहां पर क्या होगा? बच्चों के पर्यावरण, बच्चों के पर्यावरण की बात चल रही है। बच्चों के पर्यावरण है, पहले क्या होगा भैया? बच्चों के पर्यावरण से क्या होगा? पहले होता भैया समस्या, पहला क्या होगा? समस्या। कोई समस्या बच्चों को आएगी, फिर उस समस्या क्या होगा? निदान होगा। निदान हो गया, फिर क्या होगा? समाधान हो गया।
लोग निदान और समाधान में कंफ्यूज रहते हैं। निदान का मतलब होता है कारण जानना, निदान का मतलब क्या, कारण जानना, कारण जानना है पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान का कारण जानना, उसके पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान का और ये क्या है, समस्या क्या है, है समस्या में क्या है, समस्या बच्चे के पर्यावेश में क्या समस्या है, पर्यावेश का परिचय करवाना। पर्यावेश का परिचय करवाना भैया, जब आप समस्या कोई आएगी, समस्या आएगी, बच्चा कुछ काम कर रहा है, कोई भी चीज काम कर रहा है और नहीं कर पा रहा है, तो आप जानोगे उसकी समस्या क्या है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका परिवेश क्या है, क्या उसने कभी ऐसा देखा है, क्या उसने कभी ऐसा किया है, या उसके परिवेश में है या नहीं है। तो क्या है, सबसे पहले क्या समस्या क्या है ये जानेंगे हम, है उसके परिवेश, समस्या जान लेंगे हम, समस्या जानने के बाद उसके परिवेश से उसको परिचय करवाएंगे हम, फिर क्या है उसका कारण जानेंगे, भैया समस्या क्यों है, समस्या क्या है जानने के बाद भी जानेंगे भैया ये समस्या क्यों है, है जब जान जाएंगे तो उसको उसको कारण जानने के लिए उसको पूर्व ज्ञान में जाएंगे। भैया कोई भी बालक विद्यालय में आता है तो अपने पूर्व ज्ञान के साथ ही आता है विद्यालय में, है वो कोई समस्या आ रही है तो उसको कारण जाने, कारण जानने के लिए उसके पूर्व ज्ञान से जाएंगे, पूर्व ज्ञान में जाएंगे। समाधान क्या है, समाधान क्या होता है, निर्देशन और परामर्श के द्वारा होता है। फिर क्या आएगा, लास्ट आएगा समाधान। फिर पूछ लेता पर्यावरण के महत्व का क्रम बताइए, इसमें क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण महत्व का क्रम क्या है, पहला क्या है समस्या क्या है, निदान क्या है, समाधान क्या है, तो इसमें क्या पहले जोड़ेंगे, निर्देशन, निर्देशन मतलब सामूहिक होता है, फिर क्या होता है परामर्श होता है, परामर्श क्या होता है ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, हैं? तो ये चीजें यहां से एक आध क्वेश्चन बनता है, या तो पूछ लेगा क्रम क्या है, क्रम क्या है मतलब पर्यावरण के महत्व का क्रम क्या है, हैं? समस्या समाधान निदान और समाधान, हैं? या पूछ लेगा पर्यावरण के क्रम समस्या निदान, अगला क्रम क्या है तो समाधान है। समाधान कैसे होता, निर्देशन और परामर्श के द्वारा। निर्देशन क्या होता, सामूहिक मतलब जब बहुत सारे लोग हों, पूरे क्लास के एक साथ बोल दे भैया दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, है तो ये क्या हो गया कि मतलब एक सामूहिक हो गया। परामर्श क्या, व्यक्तिगत हो सकता है, है? वातावरण में इसका तात्पर्य क्या है, शिक्षण का तात्पर्य क्या है, पर्यावरण शिक्षण का तात्पर्य क्या है, पर्यावरण शिक्षण का तात्पर्य क्या है, पर्यावरण शिक्षण का तात्पर्य है कि वातावरण में समझ प्रदान करना, बच्चों में वातावरण के प्रति समझ प्रदान करना, पर्यावरण शिक्षण का तात्पर्य। भैया का जरूरी पर्यावरण शिक्षण है, कह भेजा चाट रहे हो, अरे नहीं भैया जरूरी है, ऐसे सरकारें नहीं लगी हुई, ऐसे जो शोध करता है ऐसे नहीं लगे हुए हैं, आज बच्चों का आप एक हाथ नहीं मार सकते आप,
हैं, तुरंत रिपोर्ट हो जाएगा, तुरंत आप गांव चक्की पीसोगे जेल में, तिहाड़ जेल में। तो क्या पर्यावरण में क्या समझ प्रदान करना, इसका तात्पर्य क्या होता, पर्यावरण में समझ प्रदान करना, वातावरण में, वातावरण में समझ प्रदान करना, समझ प्रदान करना। क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण शिक्षण का महत्व है, तो क्या महत्व है, समझ प्रदान करना, किसमें, वातावरण में। भैया ये वातावरण कैसा वातावरण, वो वातावरण जो बच्चे के आसपास है, बच्चे के पास पड़ोस में है, बच्चे के घर परिवार पड़ोसी चाचा दादा नानी है, जो उसके साथ घटनाएं हो रही है आसपास में, वो सब क्या वातावरण, उसकी समझ कि चाचा के साथ पड़ोसी के साथ अपने आसपास के जैविक चीजों के साथ उसमें समझ आ जाए। भैया फूल नहीं तोड़ना, ये कहाँ से आया, ये समझ किसकी है, पर्यावरण के तात्पर्य यही है कि उसमें समझ प्रदान की है, किसकी, वातावरण, कि उसके वातावरण में क्या है, फूल है, फूल क्या है, नहीं तोड़ना, ना तोड़ने की समझ क्या है, कहाँ से आई, वातावरण पर्यावरण के शिक्षण से है। अब बात करते हैं शिक्षण की, शिक्षण क्या है, शिक्षण 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 का मतलब क्या होता है भैया, सीखना, मतलब सिखाना, क्या हुआ, सिखाना, सिखाना, सीखना, सीखना क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये कैसी है भैया, एक ये सामाजिक, सीखना कैसी है, सिखाना कैसी है, सामाजिक, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक, सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, और ये कैसी परिवर्तनशील है, और ये कहा ये सामाजिक प्रक्रिया है, और घटित कहाँ होती, समाज में होती है, ये सीखना कहाँ घटेगा भैया, ये कहाँ घटेगा, समाज में, बच्चा कहाँ से सीखेगा, समाज से सीखेगा, और समाज क्या है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है, समाज कैसा, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, शिक्षण का मतलब होता है सिखाना, सिखाना कैसा, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये सीखना कहाँ घटित होगा, समाज में घटित होगा, और समाज ये क्या परिवर्तनशील है, समाज आज देखो परिवर्तनशील क्यों नहीं है, आज के 20 साल 30 साल पहले बच्चे को ले तेरी के तेते मोटो बेशर्मा के डंडों से कूटा जाता था, पुट्ठे लाल हो जाते थे, क्या उसी समाज में परिवर्तित आया, उसी समाज में परिवर्तन किया गया कि बच्चों को मारे नहीं, उसी समाज में आया ना, समाज क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, आज के 20 साल से आज क्या हो, परिवर्तित हो, किसके माध्यम से, भैया पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षण क्या सामाजिक प्रक्रिया है, हैं, और ये समाज में घटित है, समाज क्या है परिवर्तनशील है, तो उससे चेंज होता ही रहेगा, और ये सब चीजें बदलती भी रहेंगी, जरूरी भी था। अब परिवर्तनशील के अनुसार शिक्षण प्रणाली, अब बात करते हैं परिवर्तनशील के अनुसार शिक्षण प्रणाली, परिवर्तनशील के अनुसार अनुसार शिक्षण प्रणाली,
शिक्षण प्रणाली है। अब भैया परिवार ये क्या शिक्षण प्रणाली भैया, अब इसके बारे में बात करेंगे, मतलब कि शिक्षण की कौन कौन विधियां हैं, मतलब किस किस विधि से, मतलब जो चलती थी, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो चाहे लोकतंत्रात्मक हो। और बात करते हैं पहले राजतंत्रात्मक की, पहले बात करते हैं राजतंत्रात्मक की। राज तंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, राज जो तंत्रात्मक जो प्रणाली थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अन्य नाम क्या, शिक्षक केंद्रित प्रणाली है, और इसको के दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, शिक्षक केंद्रित प्रणाली है। कैसी है, शिक्षक शिक्षक केंद्रित भैया राजतंत्र आता है तो उससे पता चल रहा है कि कैसा होगा, है राजतंत्रात्मक, राजा के समय में कैसी शिक्षा रही होगी, है केंद्र, केंद्र के बाद क्या आएगा, व्यवहार, है व्यवहार, व्यवहार, अरे यार गलत लिख गया, व्यवहार और मूल्य, मूल्य मतलब कि केंद्र में राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन था, शिक्षक मतलब गुरुजी, कौन था, शिक्षक था भैया, शिक्षक, चाहे राजा के समय शिक्षक जो कही दे वही मानो, सवाल जवाब नहीं कर सकते थे, एकात्मक था। और व्यवहार कैसा था, एकात्मक था, एकात्मक था, मतलब गुरुजी बोलेंगे वही बच्चा सिर्फ सुनेगा, अगर उसने सवाल जवाब किया लात मार के बाहर है। मूल कैसा था, तानाशाही था, तानाशाही रवैया था भैया, है तानाशाही रवैया था। शिक्षक केंद्र शिक्षक रह के गुरु जी आए, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूनी कितना हुआ, चौसठ, लड़का सुन लिया, सवाल नहीं कर सकता था। शिक्षक जैसे भी पढ़ाएगा, गलत पढ़ाएगा, ऊंचा पढ़ाएगा, समझ में आए ना समझ में आए, लात मारे, जूता मारे, चाहे जैसा पढ़ाए सुनना पड़ता था, एकात्मक था, एक ही लोग बोल सकते थे, है एकात्मक था। रवैया क्या था, तानाशाही था, गलत पढ़ाओ चाहे चढ़ी पढ़ाओ, समझ में आया चाहे ना आए, बच्चे की क्या जरूरत है, नहीं है कुछ मतलब नहीं, आए बाँच के चले गए बस, तो क्या था, तानाशाही था। अब बात करेंगे लोकतंत्रात्मक, बात करेंगे लोकतंत्रात्मक, दूसरी क्या है, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। अब भैया लोकतंत्र से आपको साथ से समझ, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, है लोकतंत्र का मतलब ये, सबका साथ सबका विकास। इसको दूसरा नाम क्या था भैया, इसको दूसरा नाम क्या था, इसको दूसरे नाम से क्या, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, बाल केंद्रित
बाल केंद्रित बाल केंद्र शिक्षण प्रणाली, बाल केंद्र शिक्षण प्रणाली है। और इसमें क्या रहता था, केंद्र में कौन कौन होता था भैया? केंद्र में और इसका क्या है, व्यवहार कैसा रहेगा, और इसके भैया मूल्य क्या रहेगा, मूल्य केंद्र व्यवहार मूल्य केंद्र में क्या रहेगा, बालक रहेगा भैया। अब भैया लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली आ गई, बालक बालक कहेगा गुरुजी समझ में नहीं आया, गुरुजी 10 बार बताएंगे और फिर वो नहीं समझ में आया, फिर उसके समस्या जानेंगे, फिर उसके निदान करेंगे, फिर समाधान करेंगे। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली बालक केंद्र में रहेगा, गुरुजी समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझाओ, या तो तुम निकलो दूसरा रखें, हाँ ये तानाशाही नहीं चलेगी, समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं आता या नहीं आता, दो चार लोगों का आता, आपने दो चार लोग हाँ जी जा रहा है, ठीक है ठीक 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 निकल गए, बाकी लोग क्या करें, हाँ। तो भैया लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली आई और उसमें क्या कहा गया, भैया बालक केंद्र में रहेगा, जो भी होगा बालक के अनुसार होगा, बालक की सुविधा के अनुसार होगा, बालक के रुचि के अनुसार होगा, बालक की समस्या जानी जाएगी, उसका निदान किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा, कारण जाना जाएगा क्यों हो रहा, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाएगा, है व्यवहार अंतःक्रिया, व्यवहार क्या है अंतःक्रिया रहेगा, अंतःक्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक मतलब क्या है, गुरु जी और बालक दोनों अंतःक्रिया करेंगे, या गुरुजी पूरे क्लास के साथ अंतःक्रिया करेंगे, अंतःक्रिया आपस में अंतःक्रिया करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, बालक और स्टूडेंट एक दूसरे के रुचि के अनुसार, जो शिक्षक आएगा भैया, शिक्षक आएगा है, ये गुरुजी आ गए, ये हमारा पतलुआ है, तो गुरुजी आए भैया इन पूछेंगे, हे पतलू दुईगा पढ़ा आता है, पतलू कहेगा ना गुरु जी ना आता है, तो कहेंगे ऐसा करो दो में दो जोड़ते चलो जो पहाड़ा दो का आ जाएगा, फिर वो नहीं समझ में आया तब गुरु जी दूसरा तरीका निकालेंगे, मतलब जब तक अंतःक्रिया दोनों करेंगे, उसमें क्या था राजतंत्र में कोई अंतःक्रिया नहीं थी, तारासा था एकात्मक था, इसमें क्या अंतःक्रिया करें, अंतःक्रिया कैसे होगी, जब दो लोग आपस में परस्पर बात करेंगे किसी विशेष मुद्दे पर, विशेष बात पर, तो अंतःक्रिया होगी, बालक और गुरुजी आपस में बात करेंगे अंतःक्रिया होगी, विशेष संबंधी क्रिया मतलब बात करेंगे, जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बात करेंगे ना। मूल कैसा रहेगा भैया, मानवीय मूल रहेगा, अब क्या रखा मानवीय मूल, मानवीय मूल क्या है, मानव ही मानव के द्वारा मानव के लिए विशेष चीजों की रचना करता है, कहा गया है कि गुरु और ज्ञान का विशेष संबंध होता है, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्यवान चीज है, सिर्फ मानवीय मानवता के बस, एक गुरु दूसरे शिष्य को ज्ञान देता है, बेशक वो पूंजी लेता है भाई, उसको भी तो जीवन यापन करना है, उसको भी तो जीवन यापन करना, उसके भी तो बच्चे हैं, उसके भी तो मोटू पतलू हैं, वो भी तो अपना जीवन यापन करेगा। अब ये हो गई भैया, अब बात करेंगे अगली शिक्षण प्रणाली के बारे में, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली,
इसको क्या बोलते हैं, सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली इसको बोलते हैं। हस्तक्षेप रही है, बिना हस्तक्षेप किए कोई हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र में कौन रहेगा भैया, केंद्र में केंद्र और कहेगा व्यवहार मूल्य केंद्र में कौन रहेगा, इसमें भी 12 की केंद्र में रहेगा। बालक केंद्र बालक के अनुसार होगा, बालक क्या रहेगा स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र रहेगा बालक, कैसा रहेगा स्वतंत्र रहेगा। यही इस शिक्षण प्रणाली की सबसे मतलब इसी वजह से शिक्षण प्रणाली कम रोचक है। और क्या है, रचनात्मक रहेगा, रचनात्मक मूल्य कैसा रहेगा, रचनात्मक रहेगा। इस प्रणाली में जो शिक्षक होता है वो एक सहायक या मित्र की भूमिका निभाता है। इस शिक्षण प्रणाली में जो अध्यापक रहेगा वो एक मित्र मित्रवत भूमिका निभाता है। और सहायक की भूमिका यह उतनी कारगर नहीं है। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली थी वो सबसे अच्छी शिक्षण प्रणाली है, यह उतनी कारगर नहीं है। ठीक है, राजतंत्रात्मक तो ठीक ही है, पर बालक को हस्तक्षेप, स्वतंत्र बालक को कर देंगे भैया कुछ भी करता रहे, बल क्या मतलब है, स्वतंत्र नहीं, उसमें कुछ ना कुछ परिधि के घेरे होने जरूरी है भैया। बालक को स्वतंत्र कर दिया जाए और मित्र की तरीके है, एक सहायक के रूप में ठीक है, पर उतनी ये अच्छी शिक्षण प्रणाली नहीं है। सबसे अच्छी शिक्षण प्रणाली कौन, यहां से क्वेश्चन बनता है, हाँ ये लिख लिया, बालक केंद्र रहेगा स्वतंत्र रहेगा और रचनात्मक मूल कैसा रहेगा, रचनात्मक रहेगा। पूछा जाएगा किस शिक्षण प्रणाली का मूल रचनात्मक, किस हस्तक्षेप रहित, किस शिक्षण प्रणाली का मूल तानाशाही है, राजतंत्रात्मक, किस शिक्षण प्रणाली का मूल मानवीय है, लोकतंत्रात्मक का। सबसे अच्छी शिक्षण प्रणाली, सबसे अच्छी शिक्षण प्रणाली है, सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली कौन से, लोकतंत्र आता भैया, डेमोक्रेसी की बात है कोई दूसरा है। लोकतंत्रात्मक है सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली, लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली है। हाँ, तो हमारा ये टॉपिक ये आपने देख लिया, शुरू कर दिया गया 30 दिन में, टारगेट से भी 30 दिनों सीटेट पास, इससे आगे इससे कहीं से चीजें कुछ भी नहीं आएगी। और मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे बीच बीच में प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा, जो चीजें मैं चालू करूंगा अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, आज की बात यहीं तक, नमस्कार। चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ये आपके लिए है, सीटेट सिर्फ 30 दिन में पास करना है। स्टेट जी मैंने बता ही दिया है कि मिनिमम 100 नंबर चाहिए, जैसे भी हो 20-25-100, 20-20 का टारगेट है और 5 सब्जेक्ट है, 20-25-100। अब आपको तय करना है कि जुड़े रहना है या फिर अगले साल फिर ट्राई करना है, क्योंकि वैकेंसी की जो उम्मीदें हैं बढ़ती जा रही हैं पीआरटी की।
24 में चुनाव है, वैकेंसियां लगता है। नमस्कार।